गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको चैप्टर 3 जल की उपयोगिता के बारे में बताया था। इसमें मैंने बताया था कि श्रीमती निशा जैन, जो कि आपकी हिंदी की अध्यापिका हैं, वे बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में बता रही हैं। वे बच्चों से पूछती हैं कि जब तुम्हें प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो, क्या फ्रिज में से ठंडी पानी की बोतल निकालते हो? तब सभी बच्चे जोर से बोलते हैं कि मैडम, तब हम सब खूब पानी पीते हैं। अध्यापिका ने पूछा, तुम खूब पानी क्यों पीते हो? बच्चों ने कहा, क्योंकि हमें प्यास लगती है। तब अध्यापिका ने कहा, अगर तुम्हें पानी ना मिले तो क्या होगा? इस पर शुभम बोलता है, हम प्यासे ही मर जाएंगे। तब अध्यापिका बताती हैं कि भारत की जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हमें नदियों, तालाबों और कुओं से पानी प्राप्त होता है, लेकिन इनमें कूड़ा कचरा डालकर इन्हें क्या कर दिया गया है, गंदा कर दिया गया है। और गंदे पानी का होना या ना होना दोनों ही बराबर है। इसके बाद अध्यापिका बताती हैं कि भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित बोला। इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना? अध्यापिका ने जवाब दिया, जब हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले होते हैं। इससे तो सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अर्थात इसमें ये अध्यापिका बता रही है कि कारखानों से निकलने वाला दूषित जो पदार्थ होता है, वो अगर जल में मिल जाए और उसे पेड़ पौधों में डाल दिया जाए तो इससे क्या होंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। अध्यापिका आगे बोलती है कि गर्मी के दिनों में नदियों, तालाबों का जो जल सूख जाता है, वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है। नदियों का और तालाबों का जो जल सूख जाता है, वो वर्षा के दिनों में हमें फिर से मिल जाता है। परंतु हमारे देश में कभी ज्यादा वर्षा होती है तो कभी कम होती है, सब जगह एक समान वर्षा नहीं होती है। इसके कारण क्या पड़ सकता है, सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा हो जाता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं। नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है, लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ लोग उसे खूब बर्बाद करते हैं। शहरों में पानी को खूब बर्बाद किया जाता है। अभी अभी मैंने खुले नलों को बंद किया। अध्यापिका कहती है कि अभी अभी बच्चे नलों में से पानी पी के आए और नलों को खुला छोड़ गया है। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम भी बूंद बूंद को तरस जाएंगे, लेकिन तब हमारे बस में कुछ नहीं होगा। कक्षा में एकदम सन्नाटा था, चुप हो गए सब बच्चे। बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। फिर वे बोली, अब तो तुम समझ गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं। अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तब आकृति बोलती है, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। क्या बात रखेंगे, नल हमेशा बंद रखेंगे पानी को बचाने के लिए। इसके अलावा अध्यापिका ने पूछा, पानी का उतना ही उपयोग करेंगे जितनी हमको जरूरत हो। रुचि बोली, बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो। जब कुल्ला करो तभी नल को खोलो, इससे पानी बहुत बचता है। नहाते समय शावर या फब्बारा खोलकर मत नहाओ। बाल्टी और मग का प्रयोग करो। नहाते समय शावर और फब्बारा खोलकर नहीं नहाना चाहिए, बल्कि बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को पानी से धोने की बजाय पोंछा मारकर ही साफ कर लेना चाहिए, इससे बहुत पानी बचता है। फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन साफ करते समय, कार, स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा। घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तुम सब पानी की बचत और उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो, क्योंकि जल ही जीवन है। सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी और भविष्य में जल का सही ढंग से उपयोग करने का वचन दिया। तो बेटा, ये चैप्टर आपका आज खत्म होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो बेटा मैं कल करवाऊंगी।